Okay. असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो कैसे हैं आप सब लोग अल्लाह ताला सबको दुनिया औरत की तमाम भलाइयाँ दे बुराइयों से बचाए होर राफत मुसीबत से अपने उस जबान में रखे तो चलें फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छा यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मैं जो हूँ ना सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था चिकन सादा भी चिकन खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए यहाँ पे ना चने की दाल और गोश्त नहीं खाया तो जो है मैंने क्या किया था सबसे पहले चने की दाल को ले लिया था और उसको ना मैंने जो है उसको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था हल्का सा कि जैसे मैंने कहा हल्की सी रस्मी सी सी हो जाए थोड़ी ना जैसे ना बहुत ज़्यादा थिक हो जैसे खड़ी खड़ी हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो मैंने कहा इसको थोड़ी सी ना गलाने के लिए इसको रख देती हूँ हल्का सा तो यहाँ मैंने क्या किया था कि उसको गलाने के लिए एक तरफ रख दिया था और ना उसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया था और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज ले ली थी तीन प्याज ले ली थी और जो है ना उसको मैंने अच्छी तरह उसको ब्राउन कर लिया था बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं किया था हल्का ब्राउन किया था क्योंकि फिर जब चिकन डाल के भी हम भूनते हैं ना तेज़ ब्राउन हो जाए ना तो फिर जलने पर आ जाती है प्याज तो इस वजह से मैंने लाइट ब्राउन रखा था और साथ चिकन डाल दी थी उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था साथ ही इसके अंदर और फिर इन सब चीज़ों को मैं क्या करूँगी अच्छी तरह भून लूँगी जिस तरह ना सारे मतलब बनते हैं बेसिक उसी तरह अच्छा ये जो जिस बर्तन में लहसन अदरक मैंने किया था ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दिया तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए भाई वो भी डाल देना चाहिए तो जो है मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया था अच्छा तो चने की जो दाल थी ना मैंने कहा जैसे अगर उसको ऐसे ही डालूंगी ना तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ना फिर वो चिकन जैसे टूट जाती है ना वो भी अच्छी नहीं लगती टूटी हुई चिकन भी तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि उसको बॉईल रख दिया था मैंने हल्का सा नमक डाल के ना उसको मैंने कहा ज़रा सा हल्का सा उसको बॉयल कर लेती हूँ और इतफाक़ से मैंने भिगोई भी, भी नहीं थी तो इस वजह से भी मैंने कहा भीगी हुई भी नहीं है तो मैंने कहा चलो जरा दो तीन बॉयल आ जाएंगे तो जरा सही अच्छी सी बन जाएगी चिकन भी फिर खड़ी रहती है और ना फिर ना ये चने की दाल भी जरा खड़ी खड़ी रहती है तो अच्छी लगती है अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ना तीन टमाटर डाल दिए थे बीच में आ, दो तीन टमाटर और उसके बाद मैंने नमक डाला था इसके अंदर अच्छा नमक ना मैंने इसलिए भी अभी कम डाला है क्योंकि मैंने पहले जब लहसुन अदरक डाला था तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और जो ना कूटते हुए उसको ना और जो है ना जो मैंने चने की दाल है उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था तो इस वजह से मैंने जो ना अभी नमक का बहुत हल्का हाथ रखा नहीं डाला ज़्यादा ये ना मैंने कहा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया था यहाँ पे दो चम्मच धनिया डाल दिया था एक चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी थी कुटी हुई पसी हुई और जो है ना आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर और जो है ना बस बेसिक से इसमें भी वही बेसिक मसाले जाते हैं मैं पता है बेसिक से बेसिक रखती हूँ कि आसान से आसान हो खुद भी आसान से आसान में बनता सिंपल में रहे और जो है ना सामने वाला भी आसान से आसान में बनाने में आसानी हो क्योंकि अब वो ताब झाम वाली जो है ना चीज़ें कम से कम ही कर दी हैं सब लोगों ने ही कम से कम कर दी हैं हमने भी कम से कम कर दी हैं कि भाई महंगाई बहुत है इसलिए ताब झाम वाली चीज़ें ना ज़रा कम से कम ही रखो तो अच्छा है <laughs> अच्छा तो यहाँ पर मैंने क्या किया था इसको फिर मैंने अच्छी तरह भून लिया था अच्छा ये देखें मैं आपको दाल दिखा रही हूँ चने की कई मैंने बॉइल कर ली थी और ये देखें ये ना बहुत ज़्यादा ना वो है गली हुई है हलवा भी नहीं हुई हुई और जो है ना ना बहुत ज़्यादा ना खड़ी खड़ी है ये तो नॉर्मल हो गई थी कि मतलब लगा लें सेवेंटी परसेंट हो गई थी ये तो बाकी जो है ना वो मैंने कहा इसके अंदर मसाले के अंदर डाल जा कर भी ना हो जाएगी तो सही मतलब दोनों सही रहेंगी चीज़ें अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा ना उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ना दाल शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ी देर भून के और इसको मैं ना थोड़ी देर दम में रख दूँगी पानी डाल के. के जो थोड़ी बहुत कसर अगर इसमें गोश्त में भी है और थोड़ी बहुत कसर अगर उसमें दाल में भी है तो दोनों चीज़ें जो है ना लेवल अप हो जाए इस वजह से मैं इनको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी अच्छा मैंने जिस दाल जिस पानी में ये दाल मैंने बॉईल की है ना वो पानी भी फेंका नहीं है वही पानी जो है ना पहले मैंने वही पानी इसके बीच में डाला फिर जो है ना अगर मुझे कम लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाला था और जो है ना क्योंकि वो वाला पानी जो होता है ना ये पानी इसमें भी बहुत ज़ायका होता है ये अगर फेंक दें तो फिर जायका ही ख़त्म हो जाता है तो इस वजह से ये वाला पानी भी फेंके नहीं बीच में ही डाल दें अच्छा फिर इसको हल्का सा मैं भून लूँगी अच्छा तो फिर उसके बाद जो है ना ये देखें ये इसको ज़रा बॉयल आना शुरू हो गया था तो वो जो है ना मैंने फिर क्या किया इसमें ना मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है ना और शामिल करके फिर इसको ना मैंने ढक के रख दिया था कि ज़रा पाँच सात मिनट के लिए इसको ढक के इसको पकने दो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोगों क्या खुश अच्छा लगता है या आप लोग थोड़ा जो है ना सा सा खाते हैं हम लोगों की तरह तो जिस तरह अच्छा लगता है उस हिसाब से बंदा अपने हिसाब से देख लेता है ये ये देखें इसके ना अब ये बॉयल आना शुरू हो गए थे इसको अच्छे से और जो बच्चे थे वो भी ना टूशन से इस टाइम आ गए थे और जो ना ट्यूशन से आते ही अच्छा ये मैं मगरब की नमाज़ पढ़ रही थी तो ये वो जान मास था वहानी मैडम खड़ी हो गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए तो मैंने कहा चलो तुम ठीक लग जाओ और यहाँ नवैरा जो थी वो अपना पैन से जो है लग गई थी ये देखें ये माशाला से ये जो है ना पूरा पूरा, पूरा अल्लाह अकबर करती हैं <laughs> और सजदे में जाती हैं माशाला से ये देखें ऊपर जा कर सजदे में जाती हैं मैडम और इनकी ये आज छोटी सी पोनी आप देख रही होंगे ये जो है ना इनको अरोहा ने इनकी बड़ी बहन है अरोहा उसने जो है ना इसकी आज बांधी थी पोनी छोटी सी अच्छा यहाँ पे ये देखेंगे तैयार हो गया था बस मैंने इस तरह रखा है जरा सा रस रसम सा कि जो है ना मतलब बस खाने में अच्छा लगे बहुत मजे का लगता है ये बहुत मजे का होता है अच्छा धनिया मेरा ख़त्म हुआ हुआ था आपके पास धनिया हो तो ज़रूर डालिएगा और जो है ना मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डाला था पिसा हुआ और जो है ना बस इसको मिक्स आउट कर लिया और बस ये तैयार है फिर रोटी वोटी बनाई और फिर बच्चों को खिला पिला दी थी और जो है ना मैंने खुद भी खा ली थी अच्छा अच्छा ये जो है ना ये मैं भेज रही थी सामने वाली के मैंने कहा चलो कुछ भेज दें एक आधे दिन में होता है कि चलो कुछ बना है तो चलो बंदा ना इधर उधर भी ज़रा भेज दे तो अच्छा लगता है थोड़ा ना तो ये मैंने सामने वाली को भेज दिया था और फिर मैंने उनको भेजा तो फिर उनकी तरफ से भी कुछ ना मैं भेजूँ तो ज़रूर उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ आ जाता है कभी <laughs> तो यहाँ पर उन्होंने ना मिक्स सब्जी भेजी थी और मेरी जो कज़न है उसकी तरफ से ना कड़ी आई थी बन के तो जो है फिर मैंने क्या किया मैंने कहा आज काफ़ी सारा मैंने कहा सालन हो गए है तो मैंने क्या किया थोड़े थोड़े से सारे लेके और जो ना सारी मैंने थोड़े थोड़े से खा लिए थे <laughs> कड़ी का तो ये होता है चम्मच के साथ अच्छी लगती है बाकी जो ये मिक्स सब्ज़ी है ये तो खैर सर्दियों की सौगात है ये मिक्स सब्ज़ी भी ये भी बहुत मज़े की बनती है मैंने वैसे अभी तक बनाई नहीं है मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी लेकिन ये ना बहुत मज़े की लगती है अच्छा उसके बाद ना अम्मी वगैरह और मेरी जो सास अम्मी है वो और जो है ना मेरी जो खाला हैं वो ये सब लोग ज़रा गए हुए थे ये लोग आए तो फिर उसके बाद ना मैं गई थी अम्मी से मिलने के लिए मैंने कहा देखें ज़रा ये लोग क्या क्या लेकर आए सामान <laughs> ना अम्मी कहने लगी कि चलो अब आइए तो ऐसा करो तुम पहले ना सूप और जो है ना चाइनीज़ चावल बना के जाओ तो जो है ना मेरी भाभी और फिर हम लोग ना साथ लग गए थे भाभियाँ मेरी दोनों छोटी वाली लग गई थी साथ मेरे तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि मैंने जल्दी से ना चाइनीज़ चावल वगैरह बना लिए थे अच्छा ये इतनी बार इतनी बार रेसिपी इस बार तो शेयर हो गई है ना इस साल ये रेसिपी कि इसका मैं क्या ही बताऊँ कि ये क्या, क्या कैसी रेसिपी है और क्या है अब तो ना मतलब मुझे रोज़ देखने वाले तो उनको तो रट गई होगी तो जो है ना बस मैंने यहाँ पे फिर सूप और अच्छा जो सूप है ना ये मैं आपके साथ इसलिए वीडियो शेयर कर रही थी कि जो सूप है ना ये जो मुर्गी के पंजे होते हैं ना ये उसका सूप बनाया था ओहो इतने मज़े का सूप बना था इतने मज़े का बहुत मज़े का इसका मुर्गी के पंजों का भी बनता है और बहुत गर्म होता है बहुत हेल्दी होता है बहुत अच्छा होता है अच्छा तो यहाँ पे क्या किया था इसका मैं बता देती हूँ आपको जिसके करके मैंने ना वीडियो शूट करी थी कि जो है ना यहाँ पर सबसे पहले मुर्गी के पंजे लिए थे और जो है ना उसमें लहसुन प्याज और थोड़ी सी नमक डाल के ना इसको ना कुकर के अंदर ना भाभी को मैंने कहा था कि तुम चढ़ा दो तो उसने ना कुकर के अंदर ना चढ़ा दिया था और जो है न उसके बाद इसमें क्या किया था जो सब्जियां वही जो मैं नॉर्मल डालती उसके बाद क्या किया था पहले ना मैंने उसको छान के निकाल लिया था जो उसकी सारी उसमें चीज़ें थीं मतलब जो पंजे और प्याज और लहसन और जो भी चीज़ थी ना वो सारी मैंने छान के ना बड़े वाले छानने से निकाल ली थी और जो है ना उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने क्या किया था वही सब्जियां जो मैं नॉर्मल डालती हूँ हॉट एंड सूर सूप में वही सब्ज़ियाँ मैंने उसके अंदर डाल दी थी और ना सब्जियाँ डालने के बाद उसमें मैंने चिकन पाउडर डाला था चाइनीज सॉल्ट डाला था और और क्या डाला था और काली मिर्च डाली थी मैंने इसके अंदर और बाकी सारा वही मेथड है जो मेथड होता है और जो है ना बस जो ना, है ना सिर्फ़ ये फ़र्क है कि मुर्गी की जो चिकन होता है ना चिकन की बूटियों की जगह चिकन के लेग पीसीज होते हैं और लेग पीस ही कहते हैं उसको तो क्या बोलते हैं पंजे पंजे सॉरी पंजे थे बस और जो है ना बाकी सब वैसे ही होता है जैसे जो है ना बनते हैं ये अच्छा तो फिर उसके बाद जो है ना उसमें वही किया कि जो है ना जो उसके पंजे थे ना उसके पंजों में से भी ना उसकी हड्डियां निकल के उसका जो गूदा होता है ना वो भी निकल जाता है तो ये यूजुअली ना मेरी ये जो काम है ना मेरी छोटी से बड़ी वाली जो भाभी है ना वो करती है तो उसी ने ना इसका गुदा शुदा निकाला यार मैंने कहा मुझे तो निकालना आता नहीं है मैंने कहा तुम तो ही निकालो तो ये ना उसी ने निकाले और जो है ना उसने गुदा वगैरह निकाल के फिर दे दिया था फिर मैंने वो जो निकला ना उसके अंदर से गदा भी वो भी मैंने सूप के अंदर ही शामिल कर दिया था और टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है मैं आपको फिर बोल रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत हेल्दी होता, <laughs> होता है ये जो तो पठान वगैरह होते हैं ये कहते हैं कि ये इन्हीं का सूप वगैरह पीते हैं ये गर्मियों में भी कहते हैं यही सूप वगैरह पीते हैं अच्छा फिर उसके बाद मैंने क्या किया था यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल दिया था उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है उसके अंदर अंडे भी मैंने शामिल कर दिए थे और जो है ना बस डेसर्ट ये तैयार हो गया था चलें फिर इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा दो में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़